के क्रांतिकारी विधायक बलराज कुंडू की बोलती बंद क्यों हो गई है? बलराज कुंडू महम से विधायक बनने के बाद सरकार में एडजस्ट हो सकते थे, चेयरमैन बन सकते थे, लेकिन बलराज कुंडू ने ऐसा करने के बजाय प्रदेश सरकार के साथ टकराव मोल लिया। बलराज कुंडू एकमात्र ऐसे विधायक थे जिन्होंने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर सरकार पर करारे वार किए, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। राव इंद्रजीत की तरह ही बलराज कुंडू भी सरकार के लिए बड़ी समस्या थे। बलराज कुंडू सरकार के हर फैसले पर सवाल खड़े कर रहे थे, सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। बलराज कुंडू के इन्हीं आक्रामक तेवरों के कारण सरकार को कई बार परेशानी झेलनी पड़ी। आखिर बलराज कुंडू क्या चाहते हैं? बलराज कुंडू के तेवरों से लगा कि वे सियासत में बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं, वे प्रदेश की सियासत के बड़े रसूखदार सियासतदान बनना चाहते हैं, वे बड़ा पद हासिल करना चाहते हैं। बलराज कुंडू के तेवरों से लगा कि वे एक बड़ी योजना के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही 6 महीने पहले ही बलराज कुंडू ने अपने गेयर बदल लिए। जो बलराज कुंडू सियासत पर सरपट दौड़ रहे थे, अचानक ही उन्होंने छठे गेयर की बजाय तीसरा गेयर लगा लिया और वे आक्रामक पॉलिटिक्स करने के बजाय समाज सेवा की पॉलिटिक्स पर उतर आए। आखिर बलराज कुंडू ने ये गेयर क्यों बदला? आखिर बलराज कुंडू के तेवर ढीले क्यों हुए? इसके दो कारण हैं। पहले हमें बलराज कुंडू की सियासत के दो चेहरों को देखना पड़ेगा, दो पलड़ों को देखना पड़ेगा, दो पासों को देखना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि बलराज कुंडू के सिक्के की सियासत के दो पहलू हैं। पहला पहलू जुड़ा हुआ है भूपेंद्र हुड्डा के साथ में। ये सभी जानते हैं कि बलराज कुंडू भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी से विधायक बने हैं। हुड्डा परिवार आनंद सिंह दांगी को सियासी तौर पर ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि आनंद सिंह दांगी ने हुड्डा परिवार के साथ जाने के बजाय कांग्रेस हाईकमान के साथ जाने की बात कही थी। आनंद सिंह दांगी की ये बात हुड्डा परिवार को अखरी और इसलिए 2019 के चुनाव में आनंद सिंह दांगी को सियासी तौर पर ख़त्म करने का फैसला लिया गया और अंदर खाते विधानसभा चुनाव में बलराज कुंडू को हुड्डा खेमे ने समर्थन दिया। इसी समर्थन के बलबूते पर जहां बलराज कुंडू विधायक बन गए, वहीं आनंद सिंह दांगी चुनाव हार गए। आनंद सिंह दांगी के भविष्य को लेकर अभी हुड्डा परिवार ने आखिरी फैसला नहीं लिया है। 2024 में हुड्डा परिवार अगर दांगी परिवार को विधायक बनाना चाहेगा तो बलराज कुंडू विधायक नहीं बन पाएंगे, और अगर हुड्डा परिवार ने दांगी परिवार को सियासी तौर पर ख़त्म करने का फैसला लिया तो बलराज कुंडू के लिए विधायक बनने का रास्ता फिर खुला रहेगा। यानी कुंडू विधायक बनने के लिए पहले भी हुड्डा के मोहताज थे और आगे भी हुड्डा के ही मोहताज रहेंगे। अब बात करते हैं कुंडू की सियासत के दूसरे पहलू की। यह सभी जानते हैं कि बीजेपी एक बड़ी तीखी पॉलिटिक्स करती है और बलराज कुंडू एक कारोबारी सियासतदार हैं। बलराज कुंडू को बखूबी पता है कि वे अगर सरकार और सत्ता के साथ टकराव मोल लेंगे तो उनके कारोबारी हितों पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास कई संसाधन होते हैं, कई ताकतें होती हैं जिनके बलबूते पर वे किसी भी कारोबार को निचोड़ सकती हैं, किसी भी कारोबारी पर शिकंजा कस सकती हैं। और इसलिए बलराज कुंडू के आक्रामक तेवरों को ढीला करने के लिए उन पर शिकंजा कसा गया। कारोबार पर असर पड़ते देख बलराज कुंडू को भी समझ आ गया कि अगर उन्हें सरकार के साथ पंगा लेना नहीं छोड़ा तो उनका कारोबार भी खतरे में पड़ जाएगा और उनकी सियासत पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। इसलिए बलराज कुंडू ने समझदारी दिखाते हुए सरकार से समझौता किया और अपने तेवरों को ढीला किया। अब आप देख रहे होंगे कि बलराज कुंडू अब सरकार पर हमले नहीं करते हैं, बल्कि पहले की तरह महम विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ सामाजिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी बलराज कुंडू जहां एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा परिवार को साधने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के साथ सेटिंग करके अपनी पॉलिटिक्स आगे चला रहे हैं। अब देखने की बात यही है कि 2024 में विधायक बनने के लिए बलराज कुंडू कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं और किस पार्टी या नेता की शरण में जाकर दूसरी बार विधायक बनने का प्रयास करते हैं। बलराज कुंडू और दूसरी ऐसी ही खास खबरों के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।